अमित शाह जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। गुजरात के दिनों से उनके काम को देखा, फिर उत्तर प्रदेश में उनके चमत्कारी काम को देखा और अब डेढ़ वर्ष से जो उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है, मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ही एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिला। और किस प्रकार से पार्टी को उन्होंने विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बनाई, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को जोड़ के पूरे देश भर में पार्टी का काम को संतुलित रखा, उसको एक बहुत सुचारू ढंग से बनाया। मैं समझता हूं हम सब बहुत ही आनंद में हैं आज कि श्री अमित शाह जी फिर एक बार पूरे टर्म के लिए पार्टी का दायित्व संभाल रहे हैं। देखिए, हम सब का सौभाग्य है कि हमें अमित शाह जैसे मेहनती युवा अध्यक्ष मिले हैं, उनके साथ काम करने का सौभाग्य हम सबको मिला है और खासकर प्रवक्ता के नाते पूरी आजादी उनकी तरफ से रही है और हमने उनके बिहाफ पर उनके प्रवक्ता और पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बातचीत की है। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे अध्यक्ष मिले जो 24/7 मेहनत करते हैं, दिन और रात का फर्क नहीं उनके काम के अंदर आता है, काम को अंजाम तक पहुंचाकर दम लेते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाया है। 11 करोड़ सदस्य बनाया, 15 लाख कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हुई, कई 4 राज्यों में जहां हम कभी सत्ता में नहीं थे वहां सत्ता में लौटे हैं। भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अमित शाह जी अपने पहले पूरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। देश भर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को समर्थन मिल रहा है और लोगों की उम्मीदें जिस तरह से है अभी, उन पर खरे उतरने का आज संकल्प हम करेंगे और इसलिए आज का चुनाव केवल पार्टी की तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, ये एक देश को पुनर्विश्वास देने की बात है कि हम उनके अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। पावर्ड बाय NNIS।